हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो T2X 5G फ़ोन है, तो वीवो T2X 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में कैसे डाटा सेवर मोड को ऑन कर सकते हैं अपने वीवो T2X फ़ोन में, और कैसे डाटा सेवर मोड का आप यूज़ कर सकते हो और डाटा सेवर मोड को कैसे ऑन कर सकते हैं वीवो T2X 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि डाटा सेवर मोड को ऑन कैसे कर सकते हैं और अपने फ़ोन में डाटा सेवर मोड ऑन करके मोबाइल डाटा को सेव कैसे कर सकते हैं, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन से ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स आइकन पे जाना होगा और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी। तो डाटा सेवर मोड को ऑन कैसे कर सकते हैं और फ़ोन में डाटा सेव कैसे कर सकते हैं, तो बताने वाले हैं। तो सिंपली सेटिंग्स आपके फ़ोन में शो हो रही है, तो आपको इसमें से जाना होगा नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स पे। इस पर जाकर डाटा सेवर मोड आपको मिल जाएगा, जिसको आप कुछ तरीके से ऑन कर सकते हैं, जिससे अपने फ़ोन का डाटा आप सेव कर पाएंगे, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और फ़ोन में डाटा भी सेव कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आप फ़ोन डाटा को सेव कर पाएंगे और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। बस इसको ऑन कर देना, ऑन करते ही डाटा सेवर आपके स्टेटस बार पे आ जाएगा, जिसके जरिए डाटा सेवर का यूज़ कर सकते हैं और फ़ोन के डाटा को सेव भी कर पाएंगे। देख सकते हैं कि डाटा सेवर मोड का यूज़ कर सकते हैं, और आप ऑफ़ कर देंगे तो कोई भी डाटा आपके फ़ोन में सेव नहीं होगा, और ऑन करके अपने मोबाइल डाटा सेवर मोड का यूज़ करके डाटा सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी डाटा सेवर मोड का यूज़ कर सकते हैं और फ़ोन डाटा को सेव भी कर सकते हैं फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।